अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। व्यूअर्स, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पानी का पंप करके, जो घरों में हमारे इस्तेमाल होते हैं पानी के पंप, और ऊपर चढ़ने के लिए सेक्शन के लिए मुकम्मल आपको एक एक पंप मिलेगा। व्यूअर्स, मैं आपको पूरा तफसील से दिखा रहा हूँ, हर चीज़ आप चेक करना। कहीं भी आपको चाहिए होगा तो हाथ का लग हम पहुँचवा भी देंगे, अगर आपका बन जा सकते तो यहाँ से भी आपको देंगे, और डिस्काउंट के साथ, और हर चीज़ नया भी आपको मिलेगा और सेकेंड हैंड भी मिलेगा। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हो, ये नया डबल पैक स्विच है, इसको कहते हैं व्यूअर्स प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का काम ये होता है, जैसे आपके नलकों में पानी कम आते हैं और प्रेशर नहीं होते उसके अंदर, और टोटी का काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, तो ये लगते हैं इस पंप के ऊपर, ये यहाँ पे लगेगा। आपने जैसा आप टोटी को स्टार्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये पंप स्टार्ट हो जाएगा और प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ते हुए ये ऑटोमेटिक चलेगा, जब आप नलके को बंद करोगे तो उस टाइम में ये पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। व्यूअर्स, ये छोटा पंप है, ये एक माले पे, दो माले पे और लाइट पे उस पर लगा सकते हो। और ये देखना, ये जेट पंप खिलाते हैं। जेट पंप का काम ये होता है व्यूअर्स, इसमें लाइन से भी सेक्शन करते हैं, कई टैंक काफ़ी दूर होते हैं उससे भी सेक्शन करते हैं, जिसको एक मतलब पानी भरना पड़ता है। ये ओरिजिनल एटली का पंप है, ये खुद सेक्शन करते हैं, तकरीबन ये 250 फुट से सेक्शन करते हैं व्यूअर्स। ये भी चेक करते हो, इसके ऊपर भी आप लगा सकते हो जेट, जहाँ पे आप ये जेट पंप के लिए कहीं टैंक भरना हो, कहीं वहाँ प्रेशर देना हो, सही है, तो लाइन के प्रेशर के लिए ये स्विच इसके ऊपर भी लग सकते हो। तो दूसरा आपको ये दिखाऊँ, ये पंप देखें, ये ओरिजिनल पंप है, ये भी इटली का है, इटली का पंप है, आप देख सकते हो। तो ये वाले जो पंप है, ये हमारे जो छतों पर पानी चलाते हैं, 6 मंजिल पे, 7 मंजिल पे, 3 मंजिल पे, पूरा बिल्डिंग पे, मुख्तलिफ के लिए उस टाइप से पंप मिलेगा। ये पंप भी आपको मुकम्मल मिलेगा। व्यूअर्स, यहाँ से जो आपको जो भी पंप मिलेगा रैक के साथ मिलेगा और ओरिजिनल होगा बिल्कुल, आपको मुकम्मल हर चीज़ को मुतमिन करके और हर चीज़ की गारंटी शुदा होगा, हर चीज़ मुकम्मल होगी। व्यूअर्स, ये देख सकते हो, ये डबल पैक, ये डबल जो है ये बॉक्स इसी का है, इसके अपने कैटलॉग है, ये आप कैटलॉग चेक कर सकते हो। इस कैटलॉग के अंदर मुख्तलिफ पंप्स दिया हो, इसमें वर्टिकल भी है, समर्सिबल भी है, हर किस्म का पंप है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये चेक कीजिएगा व्यूअर्स, ये न्यू माल है, ये न्यू माल है, सेकंड हैंड माल भी। आपका पंप घर का ख़राब हो या काम नहीं कर रहा हो, कुछ भी नहीं कर रहा हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप में वॉइस मैसेज भेज दिया, मैं आपको व्हाट्सअप लाजमी देखूँगा, तो आपने व्हाट्सअप मैसेज भेज दिया, वो भी मुकम्मल होगा। व्यूअर्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मुकम्मल पंप और जो वर्टिकल की है हर चीज़ें, आप पूरा वीडियो को देखें और चैनल को लाजमी भी सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ये देख सकते हो आप, ये पैक पंप है मुकम्मल न्यू, सही है। व्यूअर्स, ये आप हर किस्म पर इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेशर पे आते हैं, घर पे तो लगते ही है, अमूमन हर किसी का घर में ये वाले पंप लगे हुए हैं। ये ओरिजिनल इटली का पंप है, ये मुकम्मल आपको दिख रहे हैं, ये वाले पंप, ये वाले इटली का है, ये ऊपर आप देख सकते हो स्पेन के डबा पैक पंप है, ये मुकम्मल डबा पैक पंप है, और ये इंशाल्लाह आपको बड़ा मुनासिब दाम से और अच्छे दाम से मिलेगा। ये देखें व्यूअर्स, ये वाले जो पंप है ये 7 मंजिल पर पानी चला, लो प्रेशर इसकी बड़ा टाइट होते हैं। दूसरा खासियत इसमें ये होते हैं, ये वोल्टेज कम इस्तेमाल करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं, ये बड़े अच्छे पंप बने हुए। ये देख सकते हो, देखो मेडन इटली का है, ये आप देख सकते हो, ये जो है ये मेडन इटली का है, ये आपका बिल्डिंग में ऊपर नीचे मुकम्मल आपको पूरा काम करके दे रहा है। ये वाले देख सकते हो, ये वॉशेबल पंप है, जहाँ पे पानी को ठंडा करना होता है या पानी कहीं ज़्यादा आपको चाहिए होता है, ट्यूबवेल वगैरह से लेना होता है, उसके लिए पंप है। ये 2 आस पावर के, ये चेक कर सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया। ये पंप आप देख सकते हो, ये 2 इंच का है, आपने कहीं से टैंक से ज़्यादा और जल्दी पानी भरना हो तो ये पंप लगते हैं उस पर, ये 2 आस पावर का है और 2 इंच का ही है। इसका पर मिनट जो है कम से कम 200 लीटर 1 मिनट में पे, तो ये प्रो रेटिंग पे इसका रेटिंग जो है वो ज़्यादा है। और स्विमिंग पूल के लिए मैं आपको बताऊँ, ये देखें बस, बस ये आप चेक कर सकते हो, ये देखें इसके, ये जो पंप है जहाँ पे आपका कचरा हो पानी के अंदर, या गन वगैरह आता हो, या स्विमिंग पूल को साफ करना होता है, या कहीं टैंक को साफ करना होता है, तो वहाँ पे ये पंप इस्तेमाल होता है। इसके अंदर ये जाली लगा होता है अपना,
ये सिक्शन होते हैं और ये डिस्चार्ज होते हैं। ये जालिक से यहाँ से पानी जाके आगे ट्रांसफर होता है, तो ये कचरे जितने भी है इसके अंदर रह जाते हैं, पानी आगे फिल्टर होके जाते हैं। आप चेक कर सकते हो बस वाले को आप देखो, इसकी फ्लो रेटिंग बहुत ज़्यादा है, छोटा बना हुआ फ्लो रेटिंग बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी पानी भरते हैं। ये आपको नहीं जो अभी डायरेक्ट जेट बताया, ये जेट पंप है, ये जेट पंप 1 पावर का है, ये 150 फुट दूर से पानी खींच के आपको देना पड़ता है। ये वाले जो पंप पड़े हुए ये मैंने आपको सामने दिखाया, मगर ये बड़े वाले हैं, ये 4 कटोरी का है। 4 कटोरी का मतलब आपको ये 6 मंजिल पे पानी फेंकेगा और 5 मंजिल पे पानी फ्लो के साथ और ताकत के साथ फेंकेगा। और इसका वोल्टेज ये अम्पेयर वगैरह बिल्कुल कम होगा, बिल आपके ऊपर इतने नहीं आएगा, जो हम हमारे डोंकी पंप चलते हैं उससे बिल बहुत ज़्यादा कम आएगा। आप चेक कर सकते हैं, डीलर पे गए, ये हमें मुकम्मल दिखा रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा, ये दिखा रहा हूँ, ये वाला देख सकते हो, ये स्पेन का पंप, ये बड़ा स्पेन का पंप है। अक्सर ये लाइन में भी लगते हैं, जो लाइन से भी आप खींच सकते हो, और दूसरा ये आप आगे पानी भी ट्रांसफर कर सकते हो। लाइन पे लगाओगे तो ये डोंकी पंप से डबल काम करेगा, और इससे सेक्शन में आपसे बहुत पावरफुल हो। ये भी आप ये वाला जो पंप है आप चेक कर सकते हैं, ये सर्कुलेशन के लिए, ये सर्कुलेशन करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए। जैसे आपके पानी ज़्यादा ब्लॉटते होते हैं, प्लांट के ऊपर लगा होता है कहीं भी, उसके काम में भी आते हैं, और पानी का सप्लाई का भी आता है। ये वाला आप देख सकते हो, ये SS का पंप है, ये SS का पंप जो हमारे चलते हैं, ये दूध में चलते हैं, आइसक्रीम में चलते हैं, ये चीज़ों में, ये मुकम्मल SS का है, ये आप देख सकते हो।